एक ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, ओके। ट्राइंगल ए बी सी यहां मैं बना रहा हूं, ये ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल है और आपसे कुछ बोला जा रहा है एंगल बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल सी, ओके। एंगल बी इज इक्वल्स टू, गिवन है आपको एंगल बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल सी, मतलब अगर ये 30 होता होगा तो पूरा ये कितना होगा 60, ये 90 मत समझिएगा, ऐसा मैंने सीधे बनाया तो जितना भी एंगल होता होगा उसका जस्ट ये 2 टाइम्स, ओके। आगे सुनिए, बोला जा रहा है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एसी मीट्स एसी एट डी, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर एसी को कहां पर मिलता है, डी, ओके। अब आप तुरंत समझ गए होंगे, देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, लेकिन एंगल बी किसके इक्वल था, टू टाइम्स सी के, तो अगर आप इसको बोथ साइड टू से क्या कर दें डिवाइड, तो टू एंड टू गेट्स कैंसिल्ड एंड यू कैन से दैट कि हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसका मतलब है कि जो ये है इतना ये भी किसके इक्वल है, सी के, और जो ये इतना ये भी किसके इक्वल है, सी के। यहाँ मैं सी लिख ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं सी लिख ले रहा हूँ, ओके। या अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक्स अज्यूम कर लीजिए, ये पूरा कितना हो जाएगा 2x, तो ये x हो जाएगा और ये भी x। आप यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के। याद रखिएगा एंगल्स ऑपोजिट टू, सॉरी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमसे प्रूफ क्या करने के लिए बोला जा रहा है, हमसे बोला जाता है कि प्रूफ करिए BD अपॉन BC इज इक्वल्स टू BA अपॉन BA, BD अपॉन BA इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA। ध्यान से फिगर में देखिए, BD upon DA, ये वाला BD upon DA is equals to AC upon BA, ये बोला है, ओके। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो एक बात हमको पता है क्या, कि एंगल B का बाइसेक्टर कौन है, BD, और वो AC को कहां पे लीड करता है, डी पर। तो एक तो अपना थ्योरम लगा ही सकते हैं एंगल बाई सेक्टर वाला, ठीक है, उसको लगा लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा बताइए, सी डी अपॉन डी एज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी, क्या हो जाएगा सी डी अपॉन डी एज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी, बी सी अपॉन डी, इसको आप बना लो, ओके। अब देखिए कुछ मिला है क्या, नहीं मिला है, बट एक चीज मिल गया, BC upon BA मिल गया। इसी तरीके से BD किसके इक्वल हो जाए, CD के, और है भी तो BD किसके इक्वल है, CD के, प्रूफ हो गया। तो CD की जगह आप क्या रख दोगे, BD। तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन था, ओके। देख लीजिए आ गया जो प्रूफ करना था, BD upon DA is equals to BC upon BA, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।